इस जो आज की वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है दोस्तों। अगर आपका कोई भी ब्लॉग चैनल है, कोई भी आपका कुकिंग का चैनल है या फिर म्यूजिक का चैनल है, तो दोस्तों आप भी ऐसा इफेक्ट अपने वीडियो में डाल सकते हो और अपने वीडियो को और भी कूल लुक दे सकते हो, बिल्कुल आराम से बना सकते हो और अपने वीडियो को एक काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए। और या अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें हमारा काइन मास्टर ओपन कर लेना है और गाइस उसके बाद 16:19 का रेशियो चूज करना है। फिर दोस्तों हमें मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक ब्लैक ब्रेक अकाउंट को चूज करना है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक दूसरी लेयर में जाना है और फिर यहाँ पर आपको एक फ्रेम को ऐड कर लेना है। दोस्तों मैं इस फ्रेम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमको इसको यहां से फुल स्क्रीन कर लेना जैसा कि मैंने किया। उसके बाद में दोस्तों हमें एक दूसरी लेयर में जाना है और दोस्तों हमें यहाँ पर जो हमारे वीडियो हैं उनको यहाँ पर ऐड करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना जो वीडियो है उसको यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो ऐसे ही दोस्तों हमको यहाँ पर 9 वीडियो ऐड करने, तो गाइज मैं यहाँ पर जल्दी से 9 वीडियो ऐड कर लेता हूँ। Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. तो गाइज हमारी सारी वीडियो क्लिप यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज इसमें जो सबसे छोटी वाली क्लिप है उसके ऊपर हमें क्लिप करना है और ये जो हमारा ब्लैक बैकग्राउंड वाला पार्ट है उसे वहाँ से हमें ट्रिम कर देना है। दोस्तों तो देखो मैं ये जो हमारी छोटी वाली क्लिप है इस वाले पार्ट के पास से मैं इस ब्लैक वाले जो हमारा बैकग्राउंड वाला पार्ट है इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो दोस्तों ठीक आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है।
गाइस वीडियो के अंदर बने रहिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारी ये पहले फोटो है इसके ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस उसके बाद में हमें इसको थोड़ा सा आगे खींचना है और जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो हमें यहाँ पर करना है 5 सेकंड। 5 सेकंड करने के बाद दोस्तों हमें इसको लेफ्ट की तरफ से ट्रिम कर देना है। दोस्तों जैसा मैं कर रहा हूँ ठीक आपको वैसे ही करना है। गाइस जो अब हमारी सेकंड वाली लेयर है उसके अंदर जो हमारी मिडिल वाली फोटो है इसके ऊपर क्लिक करना है और दोस्तों इसका भी हमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमें 0.5 आगे बढ़ा देना है। आगे बढ़ाने के बाद दोस्तों हमको इसको ट्रिम कर देना लेफ्ट से। सो गाइस अब जो हमारे फ्रेम की तीसरी लेयर है उसमें जो सबसे लास्ट वाला फोटो है उसे हमें चूज़ करना है और दोस्तों जो उसकी टाइम ड्यूरेशन है हमें उसे 0.5 आगे बढ़ा देना है। उसके बाद में दोस्तों हमें उसे ट्रिम टू लेफ्ट कर देना जैसा कि मैंने किया है। फिर गाइस हमारी फ्रेम की थर्ड लेयर का हमें फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना है और दोस्तों इसका भी जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमें 0.5 आगे बढ़ा देना है। 0.5 आगे बढ़ाने के बाद इसको हमको ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है जैसा कि मैंने किया है। फिर गाइस उसके बाद में जो हमारा फ्रेम की फर्स्ट लेयर है उसका जो तीसरा नंबर फोटो इस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसका भी टाइम ड्यूरेशन 0.5 बढ़ा के हमको इसको ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। उसके बाद में जो हमारे फ्रेम की फर्स्ट लेयर है उसका हमें सेकंड फोटो लेना है, उस पर क्लिक करना है और इसका भी टाइम ड्यूरेशन 0.5 आगे बढ़ा देना है, यानी हमको उसके अंदर आगे प्लस करते रहना है। उसके बाद में दोस्तों हमें इसको यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है जैसा कि हमने बाकी जो हमारी क्लिप है उनको किया था। तो गाइस जो ये इसकी टाइम ड्यूरेशन है उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसको बस आपको 0.5 ही आगे बढ़ाना है, यानी जैसे आपने पहले 0.5 बढ़ाया तो उसके बाद में आपको उसके अंदर 0.5 और ऐड कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में गाइस जो हमारा फ्रेम की थर्ड लेयर है और उसकी जो मिडिल फोटो है उस पर हमें क्लिक करना है और दोस्तों उसका भी टाइम ड्यूरेशन हमें 0.5 आगे बढ़ा देना है। तो गाइस मैं इसका ड्यूरेशन 0.5 आगे बढ़ा देता हूँ, आप देखते हैं जैसे दोस्तों मैं इसको बना रहा हूँ वैसे ही ठीक आपको बनाना है दोस्तों। फिर इसको ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। उसके बाद में जो हमारे फ्रेम की सेकेंड लेयर है हमें उसका फर्स्ट फोटो लेना है और गाइस इसका भी जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमें 0.5 आगे बढ़ा देना है। 0.5 आगे बढ़ाने के बाद हमको इसको ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। सो गाइस अब हमारा एक वीडियो और बच गया है जिसे हमें सेट करना है। तो दोस्तों जो हमारे फ्रेम की सेकेंड लेयर है उसका हमें यहाँ पर थर्ड वीडियो चूज़ करना है और जो इसका टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों वो हमें प्लस 0.5 आगे कर देना है। आगे करने के बाद दोस्तों इसको भी हमें ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है जैसे दोस्तों हमने बाकी सभी को किया था। सो गाइस एक बार अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इसे अच्छे से सिखा पाऊँ। दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो हमारे फ्रेम वाली लेयर है इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये जो लेफ्ट के अंदर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर क्लिक करना है और गाइस आपको इसको रिंग टू फ्रंट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इन एनिमेशन में जाना है। इन एनिमेशन में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपके सामने ये एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर दोस्तों आपके सामने लिखा होगा वाइप राइट। तो दोस्तों आपको इसको वाइप राइट कर देना है और दोस्तों जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो आपको 4 पे सेट कर देना है। सो गाइज हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल पूरा हो चुका है, अब एक बार हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। दोस्तों आई होप कि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। गाइज और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इस तरह की वीडियो देख सकते हो, जो दोस्तों हमारे काइन मास्टर की प्लेलिस्ट है, आपको उसके अंदर ये सभी वीडियो मिल जाएंगे। yeah,